एक साथ चले जाएंगे, बढ़िया रहेगा, किसी को कोई दुख नहीं लेना पड़ेगा, इतना सब कुछ मतलब करके तुम भगवान एक साथ ले लोगे ना, तो कम से कम ये नहीं रहेगा कि हमें एक दूसरे के लिए फील नहीं होगा फिर, कि जैसे भैया चले वॉशरूम भी आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, दादाजी गए, ठीक है कोई बात नहीं, भैया गए, मोरू भी आ गए, ठीक है, हमें हमें क्यों छोड़ दिया, हमें हमें भी ले लो, हमें क्यों छोड़ दिया, हम क्या करेंगे अब, हम क्या कैसे जिए, मतलब ले लो ना, सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, अब क्या बचा है। पता है लास्ट डे था ना, उस दिन इतना गंदा सा मौसम हो रहा था, मतलब घर में तो नॉर्मल से ही चल रहा था चीजें, पर बहुत गंदा सा मौसम हो रहा था, इतना काले बादल हो रखे थे पूरे में, बारिश आ रही, गंदा आंधी वगैरह सब हो रहा। और पता है डैडी के ऑगी के ट्रेनर आते थे, वो वहीं पे आते थे, वो आए थे, वो गए थे 7-7 बजे चले गए थे वो वापस, तो फिर भैया ना, भैया जा रहे थे, घर से जा रहे थे भैया घूमने, थोड़ा सा उनको मतलब होता है घर वहां पर किसी की गांव में कुछ शादी वगैरह भी, तो उसमें गए थे बैठने के लिए, कि मम्मी 200 ने बुलाया मैं जा रहा हूँ वहां पे, वहां पे गए थे वो, और जैसे वो गए ना घर से, तब भी वहां पे तार टूट गए थे बुरी तरह से, तो मैं कॉल करके बोलती हूँ उनको, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनकी, मैं बोलती हूँ कॉल करके कि भैया देख के आना वहां पे तार टूट गए, ठीक है अच्छे वहां पे दूसरे रास्ते से आना, वहां पे कुछ वरना आपको तो कुछ आपको लगभग ना जाए, क्योंकि वहां पानी भी हो रखा है, बारिश भी हो रही है, तो फिर आप देख के आना। कहाँ है खाना? हाँ मम्मी बताओ। हाँ तार टूट गया ना। हाँ तो नहीं का आराम से लेटना अभी, अब मैं तो इधर हूँ। चाचा जी क्या है? कौन चाचा जी क्या है? अरे जो शादी है ना वहाँ बाहर बैठे हैं सब। तो इधर है क्या ना? हाँ मैं तो उधर से ही आऊंगा, पीछे से मेरे सामने ही टूटे थे। हाँ पीछे से ही आऊंगा मैं तो घूम के। ध्यान से भी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। वहां पे ओगी पीछे पीछे भाग जाता है, ओगी पता नहीं, गेट वैसे हमेशा बंद रखते थे हम नीचे का, भैया खोल गए होंगे, तो ओगी भी भाग जाता है पीछे भैया के, कि भैया को रोकने पता नहीं क्या ही हो रहा था उस दिन, पर जो भी हो रहा था ना बहुत अजीब हो रहा था, बहुत अजीब सच में। हाँ 2-3 बार कॉल करते हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे में पूरी लाइफ बदल गई। मेरे पास उनकी हर एक कॉल रिकॉर्डिंग रखी है, मैं मम्मी, फिर मम्मी बोलती है फोन की, मैं बात करा ना उससे, वो कहाँ है, बारिश हो रही है, गंदा सा मौसम हो रहा है, उसमें कहाँ घूम रहा है तू, अब घर वापस आ। मम्मी उसको पे भैया कहते थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर ना वो थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या है, कहाँ क्यों गए थे वो वहाँ, बट उनके दोस्त थे वो, 7 लोगों के साथ ना घूमने गए थे वहां पे ना, हमारे गांव के साइड में नहर चलती है, तो उसको हम बम्बा कहते हैं, नहर नहीं बम्बा है, वहां पे गए थे, वहां पे उनके दोस्तों के साथ पानी टिक्की खाने, ठीक है, वहां पे ना वो लोगों ने खा ली, मैं आपको दिखाऊंगी, उन्होंने खा ली, उसके बाद ना वो आगे चले, आगे चले, आगे चल गए, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। हमको फोन, पापा को फोन करके बताते हैं, पापा फोन करके बोलते हैं कि मोनू कहाँ है, मैं कहती हूँ हम लोग घर ऊपर ही दो कमरे में, मैं कहती हूँ मम्मी से मोनू मोनू भैया, पापा से कि मोनू भैया तो वो भैया के यहाँ गया घूमने, गया थोड़ी देर, उन्होंने कहा है घूमने गए, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, फोन कट कर दिया। फिर नीचे से आवाज आती है, साइड वाले अंकल पूछते हैं कि मोनू कहाँ है, मैं कहती हूँ मोनू मोनू भैया तो वहां गए घूमने के लिए थोड़ी देर। फिर मम्मी को टेंशन होती है, फिर जो उनके घर गए थे ना उनकी वाइफ आती है, वाइफ आती है, वो रोते हुए आती है, वो कहती है कि एक्सीडेंट हो गया है, खून निकल रहा बहुत सारा बहुत सारा, पता है भाई। फिर पापा का कॉल आता है, मम्मी से बात कराती हूँ, मम्मी को पापा बताते कि किसी का नहीं हुआ, मोनू का हो गया है।
मम्मी जाती है, मेरे को लगता है कि पापा ने गलत सुन लिया, तो मम्मी ना चली जाती कार में, घर पे मैं होगी और डैडी थे। मैंने उनको ऊपर बंद कर दिया कि वो बाहर चाहिए कहीं चले ना जाए ऊपर, तो मैं नीचे बैठी थी गेट पे और एक अम्मा थी मेरे साथ, उनका भी बेटा आता है, वो भी बताता है कि वो कहते हैं कहीं नहीं हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं फिर कहती हूँ, फिर एक अंकल आते कांपते हुए बहुत बुरा, तो मैं कहती हूँ आप बताओ ना क्या हुआ, आप मेरे को सच सच बता दो, मुझे कोई, मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, आप मेरे को सच सच बता दो। वो भी मेरे को कहते कि कुछ नहीं हुआ, भैया के नहीं लगी, वो जो दूसरे भैया मोनू भैया के थोड़ी सी छिल गया है बस, हाथ और पैर में लगी है और कहीं नहीं लगी। मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएंगे सही, टेंशन मत लो। मैंने वहां समझाया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ सही हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। वो भी झूठ बोल रहे थे, किसी ने सच नहीं बताया। मम्मी वहां से रोती हुई आई थी, मैं उनको देख के मैं डर गई कि क्या हुआ। मेरे को तभी कोई कुछ नहीं बोला जब भैया को बाहर निकाला ना, तो मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ ना, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैंने भाभी को देखा था ना, उसके बाद सच में इतना मैं डर गई थी, उनकी हालत बहुत खराब थी, उन्हें कोई आने नहीं दे रहा, उनको पकड़ लिया कि नहीं आराम से चलो कि भाई यार उनको पास तो आ जाओ, उनको पास नहीं आने दिया। मैंने बोला, मैंने छुड़ाया उनको कि हटो तुम लोग दूर, मैं कह रहा वो चीजें फिर फेस करनी होगी, अब सब खत्म कर दिया कैसे रहेंगे। फिर पापा आए, पापा की हालत बहुत खराब, पापा शिवपुरी तैयार वहां पे आए, पापा इतनी हालत खराब, पापा की, पापा को बीपी लो हो रहा है बिल्कुल, उनकी दिक्कत हो रही। भाभी वहां पे बेहोश है, पूरी रात भर बेहोश रही वहां पे, मम्मी वहां पे पूरी रात चल रही है, वो आवाजें अभी भी पता है। मैं सोती हूँ, मैं सही बता रही हूँ, मैं सोती हूँ ना, वो आवाजें मेरे कानों में अभी भी आती है, मम्मी की वो आवाज, जितनी भी बैठी थी सबके, मेरी भाभी की तो लाइफ खराब हुई हुई। चलो ठीक है, मेरे आलू और आरुई का क्या था यार, उनको मैं उनको किसी के बीच देखता हूँ ना, एक घर पे ऐसे ही हुआ था, एक कोई आया था, वो ना लेडी अपने बच्चे को, छोटा ही बच्चा था, उसको अपने पापा से बात करा रही, तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ जिसमें, मैं नहीं रोती हूँ। मैंने उनको देखा ना, सोचा मेरी भाभी को भी बहुत शौक है ऐसी कॉल करने का, जब भी कुछ भी करती है ना वो, तो वो सीधा भैया को कॉल करके दिखाती थी, देखो मैंने आरू को ये पहनाया है, आरू को ये करा है। मैं कहता अब कोई नहीं बात कर पाएगा उनसे, कौन ऐसे प्यार करेगा उनको, तो हम करेंगे ठीक है, हमारी अलग है, पापा का थोड़ी अब उसको वो कर पाएंगे, वो तो प्यार से कर रहे थे ना भैया, वो जब छपने